हेलो एवरीवन, अंजूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मालपुआ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिना मावा और बिना रबड़ी के बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट बने हैं। इसे हम मैदा और मिल्क पाउडर के साथ बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मालपुए बनाने के लिए हमने लिया है ये आधे कप मैदा, आधा कप मिल्क पाउडर और 1 कप दूध, और चाशनी के लिए हमने लिया है 1 कप चीनी। सबसे पहले हम मालपुए के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। हम लेंगे एक बोल, इसमें डालेंगे मैदा और मिल्क पाउडर। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। बैटर बनके रेडी है। इतना बैटर बनाने में हमारा 1 कप में इतना दूध बच गया है, करीब 2-3 चम्मच दूध बच गया है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढक करके एक साइड में रख देंगे, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। इस कढ़ाई में हम चीनी लेंगे, और 1 कप पानी, जितनी चीनी लेनी है उतना ही पानी। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब जब तक चीनी मेल्ट होती है, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। इसमें हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी होती है, बस चीनी को मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा होने देना है। चाशनी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 4-5 इलायची का पाउडर डालेंगे, और ये थोड़े से केसर, चाशनी में थोड़ा बहुत चिपक आनी स्टार्ट हो गई है। चाशनी बनके रेडी है। अब हम इस गैस को ऑफ कर देंगे। बैटर हमारा परफेक्ट रेडी है। अब हम इसके पोहे बनाने स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी लिया है, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और 1 चम्मच में भरके से डालेंगे। ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे पलटेंगे। और दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये दूसरी तरफ से भी सिक गया है। अब हम इसको इस तरह से हल्का दबाते हुए निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा घी इसमें कढ़ाई में ही निकल जाए। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। जो मालपुए हमारे बनते जा रहे हैं, उन्हें हम चाशनी में डाल देंगे और 1-2 मिनट बाद निकाल लेंगे। 2-3 मिनट हो गए चाशनी में, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे मालपुए बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें हमने पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।